पहले कांग्रेस ने हिमाचल में बड़ा दांव खेलने का ऐलान किया है। जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण की बात जो है सरकार कर रही है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव भी पास हुआ है। क्या लगता है आपको कि चुनाव में आपको इससे जो फायदा मिलने वाला है वो मिलेगा हिमाचल में, हिमाचल जैसे राज्य में? सुशांत जी अनम्यूट कर लीजिए आपकी आवाज। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा है कि जो कास्ट बेस्ड सेंसस है या जिसको हम जाति आधार पर सेंसस की बात कर रहे हैं और सीडब्ल्यूसी ने उसको पारित किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में यह सर्वे कराया जाएगा, यह सेंसस का ग्राफ होना चाहिए। आप इसके पीछे एक मूल मंत्र ना समझिए कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने कहा जितनी आबादी उतना हक, ये जो क्रक्स है ये समझना आवश्यक है। क्योंकि जिस इसमें आप एक चीज समझिए कि जो ये जनगणना की बात हम लोग कर रहे हैं उसमें आप जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो आपका फाइनेंशियली वीकर सेक्शन है, उसको आप प्योर तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन जो समझ से परे बात है कि किस प्रकार से भाजपा इस सेंसस से विचलित है वो सोचने की बात है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सेंसस, कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो हमारी जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है वो आती है, लेकिन अगर हम उसको सेंसस में लेकर आते हैं तो वो एक चीज है कि किस प्रकार से हम इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन है हमारे देश का उसको हम उसको आइडेंटिफाई कर सके और उनकी गरीबी उन्मूलन के लिए हम सही कारगर कदम उठा सके। इसको राजनीति के साथ ना देखकर एक बड़े स्टेप की तरह देखा जाना चाहिए कि किस प्रकार से हम पूरे देश भर में जो ओबीसी है या जो बाकी लोग रह गए हैं, जो फाइनेंशियली वीकर ग्रुप्स है, उनको किस तरीके से हम इसमें सम्मिलित कर सके। जी ठीक है।